चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से इस यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे। ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो जो मेन मेजर सिटीज़ है वहाँ का नाम मैं बताऊँगा और यहाँ का प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है, क्योंकि बहुत बार होता है कि नॉर्थ ईस्ट वगैरह वाले आते हैं तो वो जगहों का प्रोनाउंसिएशन सही से नहीं कर पाते, जिनसे लोकल वाले लोगों को पता चल जाता है कि ये बाहर से आए हैं, तो ठगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यदि आप नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से आ रहे हैं और आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल रही है कलबुर्गी के लिए, तब तो कोई बात नहीं है, सारा टेंशन ख़त्म है। लेकिन अगर आप उस साइड से आ रहे हैं और आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है, तो आप दो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। पहला, आप सिकंदराबाद स्टेशन पर जा सकते हैं, आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। मोस्टली क्योंकि ये मेजर सिटी है तो ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ से आने वाले लोगों के लिए सिकंदराबाद के लिए ट्रेन मिलना ईजी होता है। और यदि आपको सिकंदराबाद के लिए भी नहीं मिल रही है तो आप हैदराबाद प्रेफर कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने बनाया है, नॉर्थ ईस्ट से आने वाले सिकंदराबाद जा सकते हैं। सिकंदराबाद से कोणार्क एक्सप्रेस है जो कि 11 बजे से 4 बजे तक आपको कलबुर्गी पहुँचा देगी। यहाँ पर तीन ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। एक पुणे शताब्दी है जो 2:45 से लेकर 6 PM तक आपको कलबुर्गी पहुँचा देगी। एक और ऑप्शन है मुंबई LTT करके, जो आपको इनडायरेक्टली कलबुर्गी पहुंचाएगी। ठीक है, ये छोटी एक सिटी है तो यहाँ पर स्टेशन है तो यहाँ पर ट्रेन डायरेक्ट नहीं मिलता है, बहुत कम चांसेस है। बट स्टिल अगर आपको ये तीनों ट्रेन टाइम पर नहीं मिल रही है तो आप एक और ऑप्शन कर सकते हैं कि आप लोकल ट्रेन पकड़कर हैदराबाद जाएंगे, और हैदराबाद से एक सोलापुर इंटरसिटी जो खुलती है 6 बजे से सुबह में, जो कि आपको 9:30 बजे कलबुर्गी पहुंचा देगी। ठीक है, तो आप ये रास्ता भी प्रेफर कर सकते हैं या आप डायरेक्ट हैदराबाद भी पहुंच सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे अपने टाइमिंग के हिसाब से आप देखेंगे। जब आप कलबुर्गी स्टेशन पहुंच जाएंगे तो यहाँ पर आपको वहाँ से फिर 10 रुपये एक ऑटो वाला लेगा, शेयरिंग में जाएंगे तो 10 रुपये, और यदि आप रिज़र्व वगैरह करते हैं सामान की वजह से तो 50 से 60 रुपये लेगा, जो आपको बस स्टॉप पे छोड़ेगा। बस स्टॉप में देखिएगा, बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है तो वहाँ पर कोई आपको बताएगा नहीं कि क्या करना है। तो आप प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर जाएंगे, वो बस खोजेंगे जो आलन चेक पोस्ट तक जाती हो, या फिर अगर यूनिवर्सिटी, आप उनको बोलेंगे कि हमको यूनिवर्सिटी जाना है। अगर आपको डायरेक्ट बस मिल रही है तब तो बहुत अच्छा है कि आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी तक पहुँचाएगी, लेकिन बहुत सारे ऐसे बस है जो यूनिवर्सिटी तक नहीं जाती है, तो आप उनको बोलेंगे आलन चेक पोस्ट। ध्यान रखिए आप प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, आलन चेक पोस्ट। ठीक है, वो आपको आलन चेक पोस्ट पहुंचा देगा। देन वहां से फिर आपको कटगंजी यूनिवर्सिटी के लिए आना है, आप वहां आलन चेक पोस्ट पर उतरेंगे, फिर आपको एक बस लेनी होगी। आप उनको बोलेंगे कटगंजी यूनिवर्सिटी जाना है, जो कि आपको 40 रुपये लेगा, याद रखिएगा। ये सारे गवर्नमेंट बस हैं, 40 रुपीज़ चार्जेस हैं। यदि फिर भी आपको बस में आने में इशू हो रही है, सामान ज़्यादा है, तो आप कलबुर्गी से डायरेक्ट ऑटो रिज़र्व कर सकते हैं। ऑटो रिज़र्व करने पर अप्रॉक्स आपको 300 से 400 तक खर्चा बैठ जाएगा, जो आपको डायरेक्ट यूनिवर्सिटी छोड़ देगा। तो ये देख सकते हैं आप, जो है आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं ताकि आपको रास्ते में ज़्यादा कठिनाइयाँ ना हो, और किस तरीके से जाना है एक ब्लूप्रिंट आपके पास रहेगा तो आप क्लियर रहेंगे। और हो सके तो अब ध्यान रखेंगे, क्योंकि आने जैसे कि होता है नॉर्थ ईस्ट वाले लोगों के लिए तो उनके चेहरे से ही बहुत कुछ पता चल जाता है, तो ठगी के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बाकी तो आप समझदार हैं। यहाँ मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया है, आप देख सकते हैं कलबुर्गी से डायरेक्ट बस मिलती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो मिल जाएगी डायरेक्ट ट्रेन, डायरेक्ट बस, जो आपको कटगंजी यूनिवर्सिटी पहुंचाएगी। ठीक है, डायरेक्ट बस। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि वो लोग बोलते हैं, मतलब कंडक्टर वगैरह, कि डायरेक्ट बस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कलबुर्गी से बस स्टॉप जो 10 रुपये शेयरिंग ऑटो में आए आप, उसके बाद फिर बस स्टॉप से आलन चेक पोस्ट जाने के लिए आपको 30 रुपीज़ देना होगा। बस स्टॉप से आलन चेक पोस्ट 30 रुपीज़, एंड देन अगेन आलन चेक पोस्ट से कटगंजी, आलन चेक पोस्ट से कटगंजी आने के लिए आपको 40 रुपीज़ देना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़ आपको कलबुर्गी से कटगंजी आने में लग रहे हैं। यदि आप डायरेक्ट बस लेते हैं तो आपको 40-50 रुपीज़ में ये डायरेक्ट कटगंजी पहुँचा देता है, बट बस खोजना डायरेक्ट थोड़ा कठिन होता है यहाँ पर, तो आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से देख लेंगे जो आपको ईजी पड़े। थैंक यू।